फतेहाबाद के गांव दरियापुर के पास में स्कूल बस के नीचे आने से 2.5 साल के बच्चे की मौत। गांव शेखपुर दरौली का रहने वाला है बच्चा। दरियापुर में अपने मामा के यहां पर रहने के लिए आया हुआ था बच्चा। बाहर गली में खेलते समय आया बस की चपेट में। इस मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के मामा सज्जन कुमार की शिकायत पर वैन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। इसके बाद जतिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल लाया गया और बच्चे के शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बच्चे के मामा सज्जन कुमार की शिकायत पर आरोपी बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। मामले की जानकारी देते हुए केस इंचार्ज रविंदर कुमार ने बताया कि हरियाणा पब्लिक स्कूल दरियापुर की बस गांव करनौली से बच्चे को लेने के लिए जा रही थी। उस समय 2.5 साल का बच्चा जतिन गली में खेल रहा था, जो अचानक बस की चपेट में आ गया और बच्चे की मौके पर मौत हो गई। जतिन के शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आज सुबह चौकी दरियापुर में फोन पर सूचना मिली थी, करनौली गांव में एक 2 साल का बच्चा स्कूल बस के आगे आने से एक्सीडेंट हो गया। तो मैं मौका पर पहुंचा और सज्जन कुमार जो बच्चे का मामा था उसके बयान पर मुकदमा दर्ज किया है और जो पाया कि स्कूल बस का चालक है उसकी लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है बच्चे का। तो ये किसने सूचना दी और क्या कर रहा था बच्चा वहाँ? ये बच्चा गली में खेल रहा था। अच्छा। गांव के किसी बंदे ने चौकी दरियापुर में फ़ोन करके सूचना दी थी और जो मुकदमा दर्ज किया है वो सज्जन कुमार निवासी करनौली के बयान पर दर्ज किया। तो बच्चे का कोई नाम पता लग पाया? बच्चे का नाम जतिन है, तनोप प्रवीण कुमार, निवासी शेखपुर करनौली। तो वैन कहाँ से कहाँ आ रही थी? वैन गली में स्कूल के बच्चे लेने के लिए आ रही थी। तो स्कूल कहाँ का है? स्कूल है हरियाणा पब्लिक स्कूल दरियापुर। क्या कार्रवाई की गई है? मुकदमा दर्ज कर दिया है, बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया।